वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? आई एम श्योर कि ठीक होंगे एंड फिट फाट होंगे। तो मैं आज आ गई हूँ, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सोबिया की डिश। तो मैं आज बनाने वाली हूँ आपके लिए बहुत ही यूनिक सा आज नाश्ता। आप चाहे तो इसको शाम में चाय के साथ यूज़ करें या सुबह में या बच्चों की टिफिन में रख दें। ये हरे पालक की बॉल बनाने वाली हूँ। बीच में स्टफिंग करूँगी पनीर की, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही कम सामान में बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाता है। चलिए देखते हैं हमको कैसे बनाना है। सबसे पहले हमने ये पालक ली है और जो है इसको हमने धुल के सुखा के काट लिया है। तो चलिए आ जाते हैं चूल्हे के पास, मैं बताती जाऊंगी, डालती जाऊंगी सामान हमको जो जो चाहिए। वैसे नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने चूल्हे पे एक पैन रख दिया है, इसमें पानी डाल देंगे। ये देखिए पानी रख दिया है बॉईल होने के लिए, इसी में थोड़ी सी चीनी डाल देंगे, थोड़ा सा नमक डाल देंगे और पूरे पालक को डाल देंगे। पालक को हल्का सा बॉईल करेंगे। चलिए इनको बॉईल होने देते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, पालक हमारी बॉईल हो गई। चलिए चूल्हे को बंद कर देते हैं। तो अपनी पालक को हम इस तरह से निकाल लेते हैं, पानी को निचोड़ देंगे पूरा। ये देखिए दबाएंगे तो निकल आएगा खुद ही। ये देखिए फ्रेंड्स, सारी पालक को हमने निकाल लिया। देखिए इतनी ढेर सारी थी, 30 जरा सी हो गई। अब इसको हम थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे और पानी जो है पूरा निचोड़ के दे, हाथ से पूरा निचोड़ देंगे इस तरह। अभी ये गर्म है, जब ठंडी जाएगी तब थोड़ा ठंडा करके पानी निचोड़ के इसको पीस लेंगे। इसके साथ इसमें ये देखिए दो हरी मिर्च, एक ज़रा सी अदरक और ज़रा सा लहसुन डाल के इसको पीस लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, पालक को पीस लिया हमने, निकाल लेते हैं इसे। ये देखिए कितनी जरा सी हो गई है पीस के। ये देखिए पूरी हमने निकाल ली है। अब इसमें हम टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे, इसको अच्छे से मिला देंगे। इसमें हम एक चम्मच भर के कॉर्नफ्लोर डाल देंगे, इसे बहुत अच्छी बैंडिंग होगी और बहुत ही क्रिस्पी ये तैयार होगा। इसको अच्छे से हाथ से हमने मिला लिया है। ये देखिए डो हमारा तैयार हो गया। अब चलिए आ जाते हैं स्टफिंग के लिए। तो एक बर्तन हमने लिया, इसमें पनीर डालेंगे। ये देखिए पनीर हमारी एक प्याली पनीर है। इसको मैश कर लेंगे थोड़ा। इसमें हमको कुछ भी नहीं डालना है ताकि ये हरे हरे बॉल में से वाइट वाइट दिखे, तभी ये बड़ी खूबसूरत लगती है। इसमें अगर कुछ डाल दिया तो इसका कलर चेंज हो जाएगा, वो अच्छा नहीं लगेगा। ऐसे ये ग्रीन ग्रीन पालक में वाइट वाइट पनीर देखने में बड़ी खूबसूरत लगती है। अब इसमें हम बस दो सामान डालेंगे, थोड़ा सा जीरा, खड़ा जीरा थोड़ा सा डालेंगे, थोड़ा सा चाट मसाला ताकि फीका फीका ना लगे। इसको अच्छे से मिला लेंगे। ये देखिए तैयार हो गया है। चलिए अब देखिए करना क्या है। तो सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा तोड़ लेंगे बॉल की तरह, इसको चिपटा कर देंगे।
ये देखिए जितनी भरनी हो उतनी ले लेंगे। ये देखिए अगर आप चाहें तो कम भी कर लें ताकि अच्छे से बंद हो जाए। अब इनको चारों तरफ से बंद कर लेंगे। ये देखिए बंद हो गई। ये देखिए इस तरह से इसको बना लेंगे, सभी को इस तरह बना लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स गोल कर लिया है मैंने, इसी तरह से मैं सभी को बना लूंगी। ये देखिए फ्रेंड तीन हमारी ग्रीन बॉल तैयार हो गई बड़ी एक साइज की। ये देखिए एक छोटा उतने पालक में बस इतना ही बना। तो चलिए अब फ्राई कर लेते हैं। स्टफिंग देखिए हमारी बच गई है, इसकी मैं पूड़ी बना लूंगी बाद में। चलिए इनको फ्राई करते हैं। तो देखिए फ्रेंड चूल्हे पे हमने ऑयल लग दिया, गर्म हो गया वो। चलिए अपनी बॉल्स को हम इसी में डाल देते हैं और फ्राई कर लेते हैं। कम सामान में बहुत ही टेस्टी बहुत ही यूनिक ये बॉल बन के तैयार होती है। एक बार गए ट्राई जरूर करिएगा। तो ये साइड पलट पलट के इसको जो है अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड ये हमारे गोल्डन हो चुके हैं, अब इन्हें हम निकाल लेते हैं। ये देखिए मैं अपनी ग्रीन बॉल, ये देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है। ये मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए तो फ्रेंड बहुत टेस्टी लगती है, बहुत कम सामान में बन के तैयार होती है। एक बार ट्राई जरूर करिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।